किस कंसेप्ट का, मैथ के कौन से कंसेप्ट का डॉट्स क्लियर करना चाहेंगे? रूपेश आप बताइए, मैट्रिक्स पर लास्ट डेज शायद आपने बोला था डिफरेंशिएबिलिटीज, मैट्रिक्स ही कीजिएगा तो मैट्रिक्स में कौन सा चीज, मैट्रिक्स में कौन सा चीज चलिए अनम्यूट कर लीजिए आप लोग, दोनों लोग अनम्यूट कर लीजिए, रुपेश आप भी अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, कुछ बोलिए तो हम देखते हैं हमें सुनाई देता है या नहीं। हेलो यस सर, सुनाई दे रहा है आवाज क्लियर? यस सर। मनीष आपको? यस सर। ठीक है, तो कम स्टूडेंट्स में ऐसे भी चलेगा, ठीक है, और टॉप करके ही हम लोग काम करते हैं क्योंकि मछली बाजार तो बनेगा नहीं। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का सीखना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल नहीं आता रूपेश, या उसमें किसी खास तरह का प्रॉब्लम है आपको? वैसे आता तो है पूरा, आता पूरा है, थ्योरी मालूम है, राइट? यस सर। तो प्रॉब्लम किस तरह का फेस करते हैं जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं, तो किस तरह का प्रॉब्लम होता है आपको? एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ। रिवाइज करना चाहते हैं? यस। ठीक है, जानते हैं एक दिन पहले अगर आप टॉपिक्स बता दिया कीजिएगा, उससे ये होगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ठीक ठाक अच्छे एग्जांपल्स हम आपको रखे रहेंगे चुन के पहले से। एट रैंडम एग्जांपल्स मन में नहीं आते। क्यों नहीं? देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एंड डिटरमिनेंट मल्टीप्लीकेशन दोनों मोर और लेस एक ही जैसे होते हैं। ए इंटू बी दो मैट्रिसेज है, सपोज कर लीजिए मैट्रिक्स ए का एलिमेंट ए आई से है और इसका ऑर्डर एम बाई एन है। इसी समय मैट्रिक्स बी का एलिमेंट बी आई से है और इसका ऑर्डर एन बाई पी है, तो प्रोडक्ट इनका होगा एलिमेंट सी आई से जिसका ऑर्डर एम बाई पी होगा, इसका ऑर्डर और इसका कॉलम। सी आई जे क्या है? वेयर सी आई जे इज इक्वल टू सिग्मा ए आई के इंटू डी के Z, for k equal to 1 to n, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी होंगे वो सब लेते चले जाने हैं, वो आपको मिल जाएगा। देखिए एक एग्जांपल्स देखिए इसको, a11, a12, a21, a22, ये 2 बाई 2 है और हम यहां पर लेते हैं b11, b12, b13, b21, b22, b23, ऑर्डर 2 बाई 3 है
ऑर्डर 2/3 है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, A11 B11 प्लस A12 B21। यहां पर A21 B11 प्लस A22 B21। सिमिलरली यहां पर इन दोनों का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A11 B12 प्लस A12 B22, सेकेंड करो सेकेंड कॉलम A21 B12 प्लस A22 B22, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A11 B13 प्लस A12 B23। यहां A21 B13 प्लस A22 B23, इसका ऑर्डर अगेन 2/3 है, दो रो तीन कॉलम। क्या ये पहले समझ में आया? इसका मल्टीप्लाई तभी संभव है जब पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं संभव है। सेकंड थिंग, फाइनल का ऑर्डर पहले का रो दूसरे का कॉलम बनता है। यहां मल्टीप्लाई करने का नियम रो बाय कॉलम होता है, रो बाय कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यहां पर आ गया। क्या इतना समझ में आया आप दोनों को? यस सर। क्या इसको नोट भी कीजिएगा? यस सर, कर लिए। कर लिए, इरेज कर दे? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, अब रह गया इसका एग्जांपल, है ना? तो एक हम दिखाएंगे, एक आप बनाइएगा। सिंपल ही मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 into 2 3। इसका देखिए 2/3 है, जबकि ये एक और होना चाहिए इसमें 3/1 है। तो क्या मल्टीप्लाई संभव होगा पहले ये बताइए। तो इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका ऑर्डर 3/1 है, मल्टीप्लाई संभव होगा? यस सर। फाइनल का ऑर्डर फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3 into 1 नहीं, 2 by 3 है, ये 3/1 है। फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 into 3 सर। 2 into 1 2 into 1 यस सर। इसका नंबर ऑफ रो और इसका नंबर ऑफ कॉलम ये बताए हैं, ठीक है? देखिए अब 1 into 2 2 into 3 5 into 4 3 into 2 4 into 3 6 into 4, ये हो गया 28 और यहां से 42। समझे? यस सर। यस सर। कोई खास दिक्कत? नो सर। चलिए एक आप लोग बना के दिखाइएगा हमें,
इसका ऑर्डर 2:1 है, देख सकते हैं आप, दो दो है, एक कॉलम। वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो टू जीरो इंटू टू वन जीरो थ्री जीरो फोर। क्या ये मल्टीप्लाई होगा संभव, पहले ये बताइए। यस सर, होगा मल्टीप्लाई। फाइनल मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा? 3 × 3 का। 3 × 3, चलिए आप मल्टीप्लाई करिए पहले। क्या हुआ? यस सर, हो गया। शिवम अनम्यूट कर लीजिए। चलिए आंसर मिलाइएगा। यहां पर 2 9 4 1 0 2 0 12 0, क्या ऐसा आया? यस सर, करेक्ट है। यस सर, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई था, और इसमें क्या सीखना चाहेंगे मल्टीप्लाई में? देखिए दो तरह से रिविजन्स चलते हैं। एक होता है हम अपनी तरफ से कुछ सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, उसमें लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए। और एक होता है कि पहले आप अपना जितना तरह का कॉन्फिडेंस आपने पाल के रखा है पिछले 2 सालों में, एक एक करके सब क्लियर करते जाइए कि इस चैप्टर में इस जगह जो है ना, हम कितना भी मेहनत करते हैं से प्रॉब्लम रही जाता है सर। इस जगह को पाए नहीं, हम क्लियर कर दे जब मौका मिला है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके उस कंफ्यूजन वाले पार्ट पे ही करेंगे। कंफ्यूजन वाला पार्ट जब आपका सब क्लियर हो जाए और फिर भी हमारे पास समय रहेगा तो हम अपनी तरफ से क्वेश्चंस देना स्टार्ट करेंगे, ओवरऑल चैप्टर्स का, सभी चैप्टर्स के मिक्स वाले क्वेश्चंस, और उसको सामने रह के हम लोग सीखेंगे, बनाएंगे।
ठीक है, तो अभी आपका टर्न है, और बताइए कहाँ पर क्या कंफ्यूजन है आप दोनों को? सर हाँ बोलिए मनीष। सर इस चैप्टर में डाउट नहीं, इस चैप्टर में क्वेश्चन चाहिए, और चैप्टर में डाउट है दूसरा चैप्टर में, तो बोलिए। कैलकुलस का सर फंक्शन वाला क्वेश्चन नहीं बनता है। फंक्शन में बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं सर, उसमें बहुत प्रॉब्लम आता है। ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बताइएगा किस तरह का कंफ्यूजन है। यस सर, उसमें लिख कर रखे थे, बताइए कंफ्यूजन्स। एक मिनट आता हूँ, आप सिचुएशन दीजिएगा, कंसेप्ट का नाम बोलिएगा, कोई सर्टेन वे बताइएगा। हाँ बोलिए। मैपिंग वाला क्वेश्चन। मैपिंग, मैपिंग में वन वन, मिनी वन, इन टू, ऑन टू, ये चार चीजें होते हैं। इसका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है सर? कंसेप्ट में ही प्रॉब्लम है। कंसेप्ट में ही प्रॉब्लम है या सर, इसलिए क्वेश्चन गलत बन जाता है। अच्छा, तो मतलब थ्योरी करना चाहेंगे? क्वेश्चन से थ्योरी, मतलब क्वेश्चन से ही समझेंगे। क्वेश्चन से ही समझिएगा। यस सर। तो लॉजिक क्लियर है? चलिए हम पूछते हैं, सिंपल वे रखते हैं, ठीक है ना, सिंपल वे रखते हैं। फंक्शन का मैपिंग आपको सीखना है, रिविजन मैच का फायदा ये होता है कि अगर सारे बच्चे ऐसे मिले हैं जिनको एक बार का पढ़ा हुआ है, तब तो कोई बात नहीं, उनको बस ऊपर से ब्रशअप जो होता है वो खाली करना होता है। लेकिन अगर वो कहेंगे कि सर जानते हैं हम दो साल में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कॉपी किताब छुए नहीं है, लेकिन सुने हैं कि आप लोग एक महीना में सब कुछ करा दीजिएगा, वो उनको यहाँ पे निराशा हाथ लगता है, वो नहीं कुछ हो सकता। आपका बहुत कुछ किया हुआ है, कंफ्यूजन है, आप हिट कीजिए एरिया को, कौन सा एरिया में कंफ्यूजन है उसे ठीक कर सकते हैं। तो मैपिंग आपको आता है ना रुपेश? यस सर। आपको आता है ना मैपिंग? यस सर आता है। कोई कंफ्यूजन मैपिंग में? ये जो ऑन टू और वो है ना सर, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। Into onto, yes sir. So concept पे क्लियर कर दीजिए। अच्छा देखिए, मैपिंग जो होता है वो चार प्रकार से बांटे गए हैं। एक वन वन, मिनी वन। वन वन का मतलब ये होता है y बराबर fx अगर है तो एक x पे एक y, ऐसा तो होगा ही। एक से ज्यादा x पे, एक से ज्यादा x पे एक y ना रहे तो वन वन, और मिनी वन क्या है, कम से कम किसी दो x पे, कम से कम किसी दो x पे एक y होना चाहिए तो वो मिनी वन होगा। कोई फंक्शन या तो वन वन होगा या मिनी वन होगा, नाइदर नहीं होते, या तो वन वन है या मिनी वन है, ठीक है। इसका कंसेप्ट यही है ये मिनी वन, कम से कम किसी दो पे एक आना चाहिए, ऐसे वाले को मिनी वन कहते हैं। जो मिनी वन नहीं होंगे उसे वन वन कहते हैं। वन वन का दूसरा नाम, वन वन का दूसरा नाम इंजेक्टिव है। वन वन का दूसरा नाम इंजेक्टिव है। एक तरीका तो ये हो गया बबल डायग्राम, दूसरा तरीका जो बोर्ड में बनाना है आपको, बोर्ड एग्जाम्स अगर आपका होता है, इस साल तो नहीं हुआ, अगर आपका समय होता है, इसके प्रबल चांसेस है कि आपके समय हो सकता है नेक्स्ट ईयर्स अगर आप एग्जाम देंगे तो। हाँ, तो उसमें कहता है
एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू सेवन आपने बनाया है और एक्स वन बराबर एक्स टू इज ओनली सोल्यूशन, इन दैट केस वो वन वन होगा। लेकिन लेकिन x1 बराबर x2 के अलावा, x1 बराबर x2 के अलावा भी अगर सोल्यूशन और पैदा हुए जो संभव हो, x1 x2 में रिलेशन और पॉसिबल है और उस रिलेशन का एक फिजिबल रियल सोल्यूशन बन रहा हो, तो वो मिनिमम होता है। ये दूसरा तरीका है। इसके बाद मोनोटोनिसिटी से भी लोग चेक करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट किए और वो नॉन निगेटिव है तो वो वन वन होगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट किए वो नॉन पॉजिटिव है तो भी वो वन वन होगा, तो भी वो वन वन होगा। इसके बाद ग्राफ अगर बन जाता है आपसे तो ग्राफ से भी चेक किया जाता है। ग्राफ से कैसे चेक करते हैं? ग्राफ से चेक करते हैं कि अगर कोई कर्व ग्राफ बना हुआ है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं और किसी दो जगह हिट कर गया, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर दो जगह हिट कर गया या दो से ज्यादा जगह हिट किया तो वो मिनिमम। कहने का मतलब ये वाला आपका वन वन है, ये दो जगह नहीं हिट कर सकता, जब भी हिट करेगा तो एक जगह हिट करेगा। ये भी एक तरीका है। कई बार लोग क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल ले लेते हैं। हिट एंड ट्रायल कैसा लेते हैं? हिट एंड ट्रायल कैसा लेते हैं? देखिए, सपोज कर लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है और पूछा जाए कि ये वन वन होगा या मिनिमम, वन वन होगा या मिनिमम, तो हिट एंड ट्रायल लोग ये लेते हैं। इस केस में हिट एंड ट्रायल लोग ये लेते हैं, ये सारे नियम आपके पास है, ये सारे नियम आपके पास है, लेकिन इन नियम के बजाय, इन नियम को लगाने के बजाय लोग यहाँ हिट एंड ट्रायल लेते हैं। हिट एंड ट्रायल ये लेते हैं, अपनी मर्जी से y का कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं, ऑफ कोर्स x में क्वाड्रेटिक बनेगा, कोई भी कांस्टेंट अगर लीजिएगा x में क्वाड्रेटिक बनेगा। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या x पे दो रियल सोल्यूशन मिले, x के दो रियल सोल्यूशन मिले, अगर उसको मिल गया तो सीधा मिनिमम बोल देगा। यहां से ये बताना बहुत आसान हो जाता है कि मेनी वन है, लेकिन इस मेथड से आप ये नहीं बता सकते, हिट एंड ट्रायल वाला मेथड से आप ये नहीं बता सकते कि वन वन ही होगा। तो मेनी वन करने के लिए आप देख सकते हैं y इक्वल टू जीरो अगर हम लेते हैं x की जगह वन और थ्री आ जाएगा, इसलिए डायरेक्टली मेनी वन। तो मेनी वन आप तुरंत बता सकते हैं, यहां मेनी वन आप तुरंत बता सकते हैं, लेकिन वन वन नहीं बता सकते। इसलिए क्योंकि आप वाई का इनफाइनाइट वैल्यू लेके तो चेक नहीं कर रहे हैं, इसलिए वन वन आप हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं लगा सकते। आपको वन वन बताना है तो इनमें से जो आपको उचित लगे, जो आपसे होने लायक लगे संभव, यहां पर उस मेथड को इस्तेमाल कीजिए। चलिए, मैपिंग का ये पार्ट हमने बताया, आप दोनों को क्या समझ में आया? यस सर। अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बोल दिए। है कंफ्यूजन? नो सर।
नो कोई पार्ट में नहीं, देख लीजिए। मनीष आप बोल रहे थे मैपिंग में एग्जांपल से कुछ समझाने सिखाने के लिए ना? यस सर। तो एग्जांपल्स दो चार को करते हैं। यस सर। वन वन मीनिंग वन का कर लेते हैं, ठीक है ना? Fx is equal to x cube plus 3x square plus 4x plus b sin x plus c cos x is 1, 1. तो b square plus c square के बारे में जानकारी हासिल करें। फंक्शन वन वन है, तो फंक्शन वन वन है ऐसा कब होता है? ग्राफ क्या आप इसमें बना सकते हैं? नहीं बना सकते, बीसी मालूम नहीं है, ग्राफ आपसे नहीं बनेगा। बबल डायग्राम वो भी नहीं बनेगा। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू कोई बेनिफिट नहीं, तो फिर बचा कौन? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन देखिए कैसे होगा। इफ डैश एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर प्लस बी कॉस एक्स माइनस सी साइन एक्स, ये आया। इसका रेंज माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको अगर गौर से आप देखें थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वन प्लस बी कॉस एक्स माइनस सी साइन एक्स, ये आपको थ्री इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस डी कॉस एक्स माइनस सी इंटू साइन एक्स। अब इसका क्या होगा, हमें इसका रेंज मालूम है। इसका रेंज आपका क्या है? एक साथ का और रियल नंबर है तो इसका रेंज क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? इसका रेंज क्या है x प्लस वन का होल स्क्वायर का रेंज क्या होगा अगर x रियल नंबर, बताइए। x रियल है x प्लस वन का होल स्क्वायर का रेंज क्या होगा बताइए। बोलिए x रियल है x प्लस वन का होल स्क्वायर का रेंज क्या होगा, कहां से कहां तक x प्लस वन का होल स्क्वायर जाएगा? माइनस वन टू वन, नहीं वो साइन x का रेंज आप बोल रहे हैं माइनस वन से वन, हम x प्लस वन का होल स्क्वायर इस टर्म का रेंज पूछ रहे हैं आपसे। जीरो से वन, जीरो से वन भी नहीं होगा,
जीरो से इंफिनिटी तक जाएगा। ऑल रियल नंबर्स है, इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक एक्स कुछ भी हो सकता है, उसमें वन ऐड करेंगे तभी वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा गया। अब जब स्क्वायर करेंगे तो जीरो से इंफिनिटी हुआ। तो खुद सोचिए, अब सोचिए इसका रेंज है एग्जैक्ट जीरो से इंफिनिटी, ये वन है, ये आपका माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए इसे आप पॉजिटिव करना पसंद करेंगे या निगेटिव? पॉजिटिव। निगेटिव आप नहीं करवा सकते, इसलिए नहीं हमेशा निगेटिव करवा सकते हैं क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू एक निश्चित अमाउंट है, इसका मिनिमम वैल्यू एक निश्चित अमाउंट है और ये अगर प्लस इंफिनिटी पहुंचा हुआ है तो ये निगेटिव हो के भी नेट पॉजिटिव रह जाएगा, इसलिए निगेटिव तो आप करवा नहीं सकते। वन वन है आपके पास, दो सब पॉसिबिलिटीज था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते या एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो करते। तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो को हम इसलिए काट रहे हैं, इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हमारा नेट हम देख रहे हैं कि कभी ये निगेटिव नहीं जाने वाला, हाँ पॉजिटिव बन सकता है नेट। तो अब कहेंगे फॉर वन वन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब एफ डैश एक्स में ये आपका कंफर्म पॉजिटिव है, ये आपका कंफर्म पॉजिटिव है, तो एफ डैश का मिनिमम वैल्यू ही हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मान देते हैं, तो उससे ज्यादा जो भी वैल्यू जाएगा वो भी करेक्ट होगा। अगर मिनिमम वैल्यू हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए तो मैक्सिमम तो उससे ज्यादा होगा ही होगा, क्या आप मानते हैं पहले ही बताइए। अगर किसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव है, जीरो से ज्यादा है, तो उससे बड़ा नंबर भी क्या जीरो से ज्यादा होगा? बोलिए, किसी फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो उससे बड़ा वैल्यू भी जीरो से ज्यादा होगा। नो सर, बड़ा वैल्यू भी जीरो से ज्यादा होगा क्योंकि ये सबसे छोटा वैल्यू है, वो जीरो से ज्यादा हो गया तो आगे वाला भी जीरो से ज्यादा ही होगा क्योंकि यहां हम और ज्यादा कर दिए, तो ज्यादा कर दिए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका मिनिमम वैल्यू जब लेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू देखिए जीरो है, ये कांस्टेंट है, और इसका मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये राइट साइड में जाएगा, वन ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों साइड में पॉजिटिव है तो हम स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू वन। आपको स्क्वायर का समेशन है तो जीरो के नीचे नहीं जाने देंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बिलोंग्स टू एग्जैक्ट जीरो से एग्जैक्ट वन, स्क्वायर का समेशन जीरो से नीचे नहीं दे सकते। क्या समझ में आया पूरा? यस सर। अब इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, सिंगल एक क्वेश्चन है लेकिन इस एक क्वेश्चन को बनाने के लिए कितनी बार हमने विचार करने को, कितनी बार हमने विचार किया, क्या सिर्फ फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन बनाए? नहीं, अगर हम सिर्फ फॉर्मूला लगाते कि f x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा दो तो ये क्वेश्चन नहीं बनता, गलत हो सकता था। तो जब हम ये सोचते हैं कि कोई भी क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला लगा देंगे और वो डन, वहीं पे मेरा गलती है, संजय मनीष वहीं पे हमारा गलती है, हमें हर स्टेप पे सोचना पड़ जाता है कि यहाँ पर ये करेंगे क्या, यही सही होगा क्या, नहीं विचार करते हैं। जिस समय हम लोग नॉर्मल क्लास 11th और 12th वाला करते रहते हैं, आप ध्यान दीजिए, जिस समय हम लोग नॉर्मल क्लासेज 11th और 12th का करते रहते हैं
उस समय हम लोग का मेंटेलिटी क्या होता है। सिंपल स्टूडेंट्स का मेंटेलिटी होता है जो पढ़ा है ऐसे ठीक ही होगा, हाँ समझ में तो आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं। और घर पे जाके हम दोबारा उसको फिर से करने की कोशिश करते ही नहीं है। तो जब हम दोबारा उसको करने की कोशिश करते ही नहीं है तो हमें यह भी नहीं मालूम चलता कि मेरे को कुछ होगा कि नहीं होगा। सेकंड गलती हमसे जो होता है वो ये होता है, गलती हमसे कि हम प्रॉब्लम्स कम बनाते हैं, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम बनाते हैं, तो उसके कारण वैरायटी अपने पास नहीं आता। और वैरायटी अपने पास नहीं आता है इसलिए हम एक कंसेप्ट के लिए कई तरीके नहीं ढूंढ पाते हैं। इसमें जितने स्टेप्स हमने लिए हैं, अगर किसी भी स्टेप में आपको कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। ये वन वन मेनी वन के लिए था, क्या बोलिए? क्या इससे कंफ्यूजन दूर हुआ वन वन मेनी वन का? यस सर। और लेना होगा वन वन मेनी वन में? सबसे आसान तो लोग यही करते हैं बाबू, डिफरेंशिएशन वाला मेथड है ना? यस सर। यस सर। इनटू ऑन टू भी समझा देते हैं एक बार। यस सर। ठीक है, इनटू ऑन टू भी एक बार करते देखते हैं। ऑन्टू के लिए एकमात्र कंडीशन है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। फंक्शन अगर ए से बी में गया तो यहां पर कोडोमेन पूरा सेट बी है पी क्यू आर एस की, जबकि रेंज इमेज का कलेक्शन पी आर टी इतना ही हुआ। क्या ये आप जानते हैं रेंज किसको कहते हैं, कोडोमेन किसको कहते हैं? राइट साइड वाला पूरी तरह से कोडोमेन है और जो इमेज का कलेक्शन है, इमेज का कलेक्शन है उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। क्या ये आप लोग को मालूम है रेंज एंड कोडोमेन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो रेंज और कोडोमेन जब बराबर हो जाए, मतलब पूरा कोडोमेन इस्तेमाल हो जाए, यूज हो जाए, तो उसे ऑनटू कहते हैं, अदरवाइज इनटू। यहां नाइदर का कंसेप्ट नहीं है, या तो फंक्शन वन इनटू होगा या ऑनटू होगा। ऑनटू का दूसरा नाम
सब्जेक्टिव है और वन वन ऑन टू अगर दोनों है तो इसका दूसरा नाम बाइसेक्टिव है। कोई फंक्शन अगर वन वन ऑन टू दोनों हो, वन वन भी हो ऑन टू भी हो, दोनों अगर है तो उस फंक्शन का स्पेशल नाम बाइसेक्टिव है। ठीक है, अब इसमें पूरा का पूरा इस्तेमाल करना है आपको यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक डिफिनीशन है f फ्रॉम r माइनस टू r माइनस थ्री एफ एक्स बी एक्स माइनस फोर वाई एक्स माइनस टू है। हमें पता लगाना है क्या ये फंक्शन ऑन टू है या मैपिंग क्या होगा, ये पता करते हैं मैपिंग क्या होगा। मैपिंग क्या होगा ये हमें पता करना है। क्या आप बता सकते हैं मैपिंग? चलिए आप कोशिश करके तो देखिए। चार होते हैं वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इन टू, इन चारों में कौन है ये पहले आप लोग कोशिश करके देखिए तो क्या है ये। वन वन सर, वन वन ठीक है, और इन टू या ऑन टू? वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू मतलब दोनों निकाल लिया। वन वन ऑन टू, वन वन कैसे पहचाने आप ये तो बताइए। एफएक्स का वैल्यू निकाल दिए, एफएक्स एफएक्स वन बराबर एफएक्स टू, नहीं उसको आर का वैल्यू है ना उसको रख दिए, आर का वैल्यू रख दिए। नहीं नहीं एक मिनट, पहचाने कैसे ये हम पूछ रहे हैं, वन वन कैसे पहचाने आप लोग?
देखिए ये जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है ना बाबू, यही सीखने का असली तरीका होता है। क्रॉस क्वेश्चनिंग आंसर सही है आप दोनों का, आप दोनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि 1-1 कैसे किए, तो बताइए कैसे किए। अंदाजा हुआ, शक लगा या कोई प्रोसेस चलाए? अगर प्रोसेस चलाए तो कौन सा प्रोसेस चलाए? अगर आप यहां नहीं बताइएगा कि आपने 1-1 कैसे पहचाना, तो किसी दूसरा क्वेश्चन में क्या क्या आप कर सकते हैं कि 1-1 होगा कि मिनी 1 नहीं कर सकते, इसलिए बताइए। 1-1 आपने बताया, दोनों ने बताया कि 1-1 है। अब हम पूछ रहे हैं कैसे 1-1 है, बताइए कैसे 1-1 है। अरे बोलिएगा 1-1 कैसे पहचाने, आंसर बता के लॉजिक नहीं बताना, ये गलत है बाबू। 1-1 कैसे पहचाने आप लोग? अब तो हम बोलने का अलाउ करती हैं, बोल सकते हैं आप। कैसे 1-1 है? वन वन कैसे है? इसका मतलब आप लोग तुक्का मारे हैं, है ना? नहीं सर, एफएक्स का वैल्यू पे इसको कुछ अलग थी तो लगा मैपिंग से फिर 1-1। अरे तो क्या किए हैं वही तो पूछ रहे हैं हम, वही तो हम पूछ रहे हैं कि आपने कैसे पता किया कि ये 1-1 है, क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा, या कुछ किए होंगे। नहीं बोल पा रहे हैं, मतलब काम नहीं किया आप, याद से क्वेश्चन बना लिए कि ऐसे क्वेश्चन का यही आंसर होता है ना रूपेश, इस तरह के क्वेश्चन का यही आंसर होता है, आपको याद है किया हुआ क्या मनीष, यही बात है ना? यस सर। आप लोग रट्टा मार लिए हैं, गलत है तरीका, रट्टा मारना हम कभी अलाउ नहीं करते, काम करना सीखिए। कई तरीके हैं यहाँ पे काम करने का, एक तरीका सिंप्लीफाई की ओर है, दूसरा देखिए लीनियर रेशनल नंबर है, लीनियर रेशनल नंबर से पी बाई क्यू फॉर्मेट है लेकिन दोनों का डिग्री सेम है, पी बाई क्यू फॉर्मेट जरूर है लेकिन दोनों का डिग्री सेम है, तो आप इससे डिवाइड अगर करते हैं तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो -2 + 2 करने पे ये पार्ट पूरी तरह से इसका 5 हो जाता है, बचा कितना +2। अब अगर आप डिफरेंशिएशन भी कर देते हैं तो कांस्टेंट का 0, 1/t का -1/t² स्क्वायर नॉमिनेटिव होता है लेकिन डिनोमिनेटर होने के कारण सिर्फ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में माइनस साइन लगने पे निगेटिव आ गया, ऑलवेज निगेटिव है इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए ये 1-1, इसलिए ये 1-1।
क्या आप समझ में आया वन वन मीनी वन का लॉजिक? यस सर, यस सर। क्या तुक्का मारने का है जरूरत? नो सर, नो सर। याद करने का जरूरत है यहाँ? नहीं, याद नहीं करना है। अब रेंज निकालेंगे तो ऑन टू पहचान पाएंगे, ऑन टू इनटू। रेंज कैसे निकलेगा? डिनोमिनेटर नेवल से। उसी प्रकार से वन बाई एक्स भी कभी जीरो नहीं होता। तो समथिंग बाई वेरिएबल कभी एग्जैक्ट जीरो नहीं देगा। ये पार्ट कभी भी एग्जैक्ट जीरो नहीं दे सकता। तो अगर ये एग्जैक्ट जीरो नहीं दे सकता तो फिर एग्जैक्टली नहीं आ सकता। तो रेंज में सब कुछ आएगा, सिर्फ एग्जैक्ट भी नहीं आएगा। सब कुछ आएगा, सिर्फ एग्जैक्ट भी नहीं आएगा। वन बाई एक्स का आपको ग्राफ याद होगा। वन बाई एक्स का ग्राफ होता है जस्ट जीरो से प्लस इंफिनिटी, जस्ट जीरो से माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सब कुछ इसके पास है सिवाय एग्जैक्ट जीरो के। सब कुछ इसके पास है। ये माइनस टू जो होता है जस्ट शिफ्टिंग होता है, ओरिजेंटल मूवमेंट होते हैं। सो यहां सब कुछ आ सकता है एक्सेप्ट एग्जैक्ट जीरो। एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा तो एग्जैक्ट थ्री नहीं आएगा। एग्जैक्टली नहीं आएगा तो हमारा रेंज आर माइनस थ्री हो गया। और ये जो रेंज है यही हमारा कोडोमेन दिया हुआ है। कोडोमेन और रेंज बराबर हुए, इसलिए इसको हम ऑन टू करेंगे। क्या ये समझ में आया? यस सर। दोनों पार्ट वन वन ऑन टू दोनों पार्ट? यस सर। चलिए ठीक है फिर। तो क्या वन वन ऑन टू ये सब मैचिंग अप पहचान लीजिएगा? ये और एग्जांपल करने होंगे, मैपिंग पहचान लीजिएगा या और एग्जांपल करने होंगे? नो सर, अब समझ गए, बनाएंगे। ठीक है, बनाइएगा, फिर कंफ्यूजन होगा फिर से पूछिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन है आप लोगों के मन में? मैथ में और कोई कंफ्यूजन है? यस सर। बोलिए। कंपोजिट फंक्शन फॉग एंड गॉफ, है ना? यस सर। फॉग एंड गॉफ एक एक लाइन वाला डिफिनीशन वाला क्वेश्चन होता है, उसमें प्रॉब्लम है। जो एक से ज्यादा लाइन वाला एफ एक्स या जी एक्स दे देता है उसका फॉग निकालने में परेशानी है। एक लाइन से ज्यादा वाला तो हम बेसिक अप्रोच से आपको वो बताते हैं जिसमें मिस्टेक के चांसेस ना के बराबर। ठीक है, आपसे गलती नहीं होगा। हाँ, आपको लिखने का स्पीड जितना होगा, जितना सोचने का स्पीड होगा उसके हिसाब से टाइम चाहे जितना ले, लेकिन आपको मिस्टेक नहीं होंगे। एक्चुअली में मार्क्स जो हमारा डिडक्ट होता है फाइनल एग्जाम्स में, वो किस वजह से डिडक्ट होता है?
एक हमको मालूम ही नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन हमको बनाने आता है और हम बनाने लग जाते हैं। तो जिस क्वेश्चन में हमारे डाउट्स होते हैं कि ना जाने तो अब क्या होगा, उस क्वेश्चन को अगर हम बना रहे हैं तो निश्चित है कि हमको क्लियर है ही नहीं, तो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। लेकिन जिसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, हमें पता है कि क्या होता है कैसे होता है, तो उसमें अगर हम समय दे के सही कर लेते हैं तो वो मेरा प्लस जाता है, परफेक्ट स्कोर ले जाता है। इसलिए मालूम जरूर होना चाहिए कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एफएक्स है एक्स प्लस वन फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू वन, टू एक्स प्लस वन फॉर एक्स वन से एग्जैक्ट। जी एक्स लेते हैं एक्स स्क्वायर फॉर माइनस वन से टू, एक्स प्लस टू फॉर टू से थ्री। कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस बोल रहे हैं ना आप लोग? यस सर। ठीक, अब आपके पास हम दो उपाय देते हैं, दो क्वेश्चंस या चार क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उन चारों में से जो आप बोलिएगा हम बता देंगे। आप लोगों का चार क्वेश्चन है फॉग गॉफ फॉग गॉफ, एपो एफ एपो जी जीओ एफ जीओ जी, चार में से कौन आप देखना चाहेंगे? फॉग वाला। कौन सा? फॉग फॉग एपो जी, एफ ओ जी देखना है। ठीक है, तो एफ ओ जी एक्स स्टार्ट कर रहे हो, ये एफ ऑफ जी एक्स होता है, एफ में एक्स की जगह जी एक्स आया है, एक्स की जगह जी एक्स है, सभी जगह यहां जी एक्स को पुट करना है, तो ये जी एक्स प्लस वन जी एक्स लेस देन इक्वल टू वन, इसमें टू इंटू जी एक्स प्लस वन वन जी एक्स एग्जैक्ट। ठीक है, अब ये फर्स्ट है ये सेकंड रहेगा, फर्स्ट वाला लेके बैठते हैं जी एक्स लेस देन इज इक्वल टू वन, जी एक्स दो लाइन में बटा हुआ, जी एक्स दो लाइन में बटा हुआ। ठीक है, तो ये मेरा ए है ये मेरा बी है, तो जी का जब ए पार्ट लेंगे तो एक्स स्क्वायर डिफिनीशन है यहां पुट करेंगे, लेकिन ये डिफिनीशन जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हमेशा वैलिड नहीं है, हमेशा वैलिड नहीं है, ये वैलिड सिर्फ इतने पार्ट में है, तो ये भी बगल में लिखा जाना चाहिए, एकदम साथ साथ चलाइए। मिस्टेक यहां पर यही होता है कि ये बगल में हम लिखते नहीं, जिसके कारण स्लिप हो जाता है, ये बगल में होना चाहिए, बिल्कुल बगल में होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस वन से वन और ये एज इट इज था यहां पर, अब इन दोनों का कॉमन लीजिए आप, ऑफकोर्स आप लोग को शायद कॉमन लेने आता होगा, तो इन दोनों का कॉमन आपको माइनस वन से एग्जैक्ट वन मिल रहा है, कॉमन आ चुका है हमें लेना होगा। ठीक है, अब इसका पार्ट बी लीजिए, इसी में अगला जीएक्स का डिफिनीशन
एक्स प्लस टू है, जी एक्स की जगह उसका डिफिनीशन पुट करेंगे और ये कब तक वैलिड है ये देख लेते हैं। टू से थ्री इसको सॉल्व कीजिए, एक्स लेस देन इज इक्वल टू माइनस। अब इनका कॉमन कीजिए, क्या ये कॉमन कुछ देगा? इन दोनों का कॉमन होगा? नहीं होगा, तो फाइव यहां कॉमन नहीं हुआ, इस पार्ट में सोल्यूशन नहीं होगा। चलिए अब आप सेकंड देखिए, सेकंड मतलब इस कंडीशन को देखिए, वन जी एक्स टू, इसमें जी एक्स का डिफिनीशन पहले ए वाला रखेंगे, तो जी एक्स का डिफिनीशन एक्स स्क्वायर यहां पुट कीजिए, वन एक्स स्क्वायर टू, ये कब तक वैलिड है ये लिख दीजिए, माइनस वन से। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्लोज्ड माइनस टू से जस्ट माइनस वन यूनियन जस्ट वन से क्लोज्ड टू, और ये था। इन दोनों का कॉमन करेंगे, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, इसका सोल्यूशन हमने कर लिया, अब इसका और इसका कॉमन देखिए, क्या इनका कॉमन है कुछ? तो इनका कॉमन माइनस वन से, इस पार्ट में तो कॉमन हुआ नहीं, इस पार्ट में कॉमन है, तो कॉमन हो गया एक्स बिलोंग्स टू जस्ट वन से जस्ट टू, ये कॉमन। अब इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं, जी का एक और पार्ट है एक्स प्लस टू, उसको यहां रखिए, ये सॉल्व करने पे ऐसा दिया, ये कब तक वैल्यू था ये लिख लेते हैं, टू से थ्री। अभी दोनों का कॉमन कीजिए, क्या कॉमन है कुछ? नहीं है कॉमन। अब आपको एफ ऑफ जी एक्स लिखने का समय आ गया, जो पार्ट कॉमन आया है उसको आप इधर लिखिए, कॉमन आया था माइनस वन से वन तक, इस समय ए चला है फर्स्ट में, ए चला है फर्स्ट में, यहां पर रखिए एक्स स्क्वायर, ए फर्स्ट का, ए फर्स्ट का एक्स स्क्वायर यहां पर रखेगा, हो गया पहला टर्न। अगला कॉमन नहीं आया तो नहीं लिखना है, इसमें कॉमन आया है ये पार्ट लिखिए, वन से जस्ट टू, वन से जस्ट टू, ये क्या था, कब कॉमन आया था, ए सेकंड में, ए सेकंड में, ए सेकंड में, ए एक्स स्क्वायर जी एक्स की जगह रखिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, फाइनल आंसर आ गया। तो जब ये चीज हम बगल में लिखा करते हैं, कौन सा डिफिनीशन ले रहे हैं और वो कब तक वैलिड है, कब तक वैलिड है,
फिर इनका कॉमन लेते हैं। अगर इतना स्टेप आप धीरे धीरे स्लो मोशन में करते हैं तो गलती आपसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, गलती आपसे सही ही होगा। क्या आपको समझ में आया? एक मिनट, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये वाला अब ठीक है। हाँ बताइए, क्या समझ में आया? यस सर। आप रूपेश? सर ये रूट कैसे लगाएं आप? एक्स स्क्वायर बराबर टू है तो एक्स तो प्लस माइनस रूट टू ना होगा? यस सर, यस सर। अगर एक्स स्क्वायर बराबर फोर होता तब ना प्लस माइनस टू चलता? यस सर, प्लस माइनस टू चलता। और कहीं पर क्या इस तरह से नहीं लगता कि अगर इस अप्रोच से बनाते हैं सब कुछ बारीकी से लिखते हुए तो क्या मिस्टेक के चांसेस है? नो सर। थोड़ा भले आपको लग रहा होगा कि ज्यादा लिखना पड़ा है, लेकिन दूसरे वे में चलिए कि अगर गलती नहीं होगा तो नंबर तो देगा ही देगा ना, मार्क्स तो देगा। यस सर। तो आज इतना ही रखे? यस सर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अभी आपके पास और डाउट बचे हैं मैथ के आपके पास? यस सर, डाउट तो है। अब चैप्टर बता दीजिए, उसका क्वेश्चन हम बना के आएंगे, फिर भाई आप क्वेश्चन दीजिए। नहीं नहीं आप लोग तो पहले से कुछ है, पहले से फिक्स कि इस समय बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, हद से ज्यादा दिक्कत है इन सब कंसेप्ट में। यस सर, है वो। तो वही वाला अच्छा बताते चलिएगा। ओके। कि इसमें एकदम कोई रास्ता ही नहीं है, हमारा है पढ़ा हुआ है। देखिए दो चीज तरह से रिवीजन चलता है, आप ऐसे टॉपिक को मत रिवीजन में स्टार्ट कराइए जिसका एबीसीडी आपको नहीं मालूम है। जानते हैं क्यों? आपसे परीक्षा में क्वेश्चन नहीं बनेगा। जिसका एबीसीडी नहीं जानते हैं वो क्वेश्चन तो आपको परीक्षा में कतई नहीं बनने वाला, और बना दीजिएगा तो गलती ये होगा, इसलिए उसको तो छूना नहीं है। जिस चैप्टर के आप जानकार है, जो चैप्टर आपको आता है, लेकिन अक्सर उसमें कोई पार्टिकुलर वैरायटी वाला जो पार्ट है, पार्टिकुलर वैरायटी वाला जो क्वेश्चंस है वो आपसे बार बार गलत हो जाता है। ना जाने तो कैसे हम सोचते हैं कि बार बार वो गलत होता है। समझ गए हमारी बात को? यस सर। चैप्टर आपका पढ़ा होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई खास चीज ऐसा है जिसमें बार बार आपसे मिस्टेक होता है, एंड वो चीज परीक्षा में भी आते रहता है, अक्सर परीक्षा में आता है, लेकिन आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार उसमें चूक जाते हैं। ऐसे चीजों को सबसे पहले हमें सुधारना होता है, क्योंकि उसी को सही करके हम मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि चैप्टर हमें पढ़ा हुआ है, हल्का सा बस कहीं पे शायद कंफ्यूजन हमारा रह गया है उस पार्ट में, जिसकी वजह से वो गलती हो जाता है। अदरवाइज तो उसका सब चीज हम जानते ही हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले दो चार दिन जो है ना, हम लोग ऐसे चीजों को खोज खोज के ठीक कर लें। आई बात समझ में? जिसको बहुत कम मेहनत में, बहुत कम मेहनत में, जिसको हम फुल स्कोर एकदम परफेक्ट स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले उसको हम ठीक करें। उसके बाद बाकी पोर्शंस में जो आप बोल रहे थे ना कि आप चैप्टर का नाम बताइए, हम क्वेश्चन सेलेक्ट करके आएंगे, वो उसके बाद का स्क्रिप्ट। पहले छोटे छोटे डाउट्स के कारण जो हमारे क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन हम नहीं बना पाते हैं, या आता हुआ क्वेश्चन हमसे गलती हो जाता है, उनको पहले ठीक कर। ठीक है, तो हम दो दिन और आपको दे रहे हैं इस काम के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में आप ही लोग हमें बताइएगा, रिसर्च कर लीजिएगा अपने से, आप ही लोग हमें बताइएगा कि कौन सी खास जगह पे आपको प्रॉब्लम होते रहता है। आई बात समझ में?
ओके सर, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।